दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोराइसिस की। सोराइसिस एक स्किन की ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग सालों दर साल पेशेंट के साथ चलती रहती है। इसमें हमारे स्किन के ऊपर पहले लाल निशान होते हैं, वो लाल निशान धीरे धीरे जब हमें उसकी ख़ारिश होती है, ज़्यादा होती है, हम उसको लगातार रब करते हैं, उसके ऊपर उसके पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है। और जब वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पपड़ी जमकर जो स्केली सिल्वर हो जाती है, चांदी के रंग जैसी हो जाती है, तो वो आम तौर पर पेशेंट को उस समय पता लगता है कि हम सोराइसिस के शिकार हैं। अगर हमें आम डर्मेटाइटिस से या आम स्किन एक्जिमा से इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो भी हमारे पास यही एक साधन होता है कि हम उसको देखते हैं कि ये हमारे अंदर जो स्किन की ख़ारिश के साथ साथ जो लेयर बढ़ रही है, ये लेयर कब सिल्वर स्केली हो जाती है। अब जब ये सोराइसिस जैसा हठीला रोग जो इतनी ज़्यादा दर्द और एक तनाव के अंदर से पेशेंट गुजरता है, तो हमारे दिमाग में उस समय ख्याल आता है कि हम आयुर्वेद की तरफ इसको लेके बढ़ें। आइए पहले जानें कि ये सोराइसिस होता क्यों है। आयुर्वेद में हमेशा वात, पित्त और कफ तीन दोषों की प्रधानता रहती है, जो कि अलग अलग रोग में अलग अलग होती है। जब सोराइसिस का रोग होता है तो इसमें ज़्यादातर ये पहले वात का प्रबंधक रोग माना जाता है। वात यानी कि एयर यानी कि हवा, तो जहाँ वात होगी वहाँ खुश्की भी होगी, वहाँ खारिश भी होगी, इचिंग होगी, तो ये वात की वजह से रहती है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें पित्त और कफ की भी प्रधानता हो जाती है। पित्त का मतलब होता है फायर, यानी कि जहाँ जहाँ खारिश होती है, जहाँ जहाँ इचिंग होती है, वहाँ पर हमें उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसे हम कहते हैं जलन की फीलिंग होती है। वो जलन की जब फीलिंग होती है वो हमें पित्त दोष की वजह से होती है। और जैसे कि आप सबको पता है कि जब जैसे जैसे दोष हमारा पुराना होता जाता है, कफ की प्रधानता भी बढ़ती जाती है। और कई बार जो सोराइसिस का रोग है वो प्रधानता मूलतः कफ दोष से ही पैदा होता है। जैसे कि कई लोगों को डैंड्रफ होती है, और वो डैंड्रफ जब बहुत लगातार चलती रहती है तो वो पता लगता है कि ये सोराइसिस है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सोराइसिस का जो चमड़ी का रोग है, ये वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों की प्रधानता से बनता है, क्योंकि इसमें इचिंग भी है, इसमें जलन भी है, इसमें चकत्ते भी बनते हैं, इसमें चमड़ी उतरती भी है। तो ये है एक मुख्य रूप से सोराइसिस के बारे में जानना कि इसमें कौन से दोष की प्रधानता रहती है जिसकी वजह से ये कारण बनते हैं। अब हमें ये जानना है कि इसके कॉजेज क्या हैं, इसके कारण क्या हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे जब वात, पित्त और कफ दोष असंतुलित होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। और वात असंतुलित कैसे होगी? जब हमारी डाइट में जंक फूड ज़्यादा होगा, जब हमारे अंदर विरुद्ध आहार विहार होगा। विरुद्ध आहार विहार का मतलब है वो दो चीज़ें जो हमें एक साथ लेने की मनाही है आयुर्वेदिक शास्त्रों में। तो हम जब दो बिल्कुल ऑपोजिट करेक्टर के फूड आपस में लेते हैं तो ये इस तरह की स्किन प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि जब मैं वात का जिक्र करूँगा तो तनाव उससे पीछे रहने वाला नहीं है। तनाव हमारी लाइफ में एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। हम हर तरीके से तनाव की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, और जब वो तनाव, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन हमारे ऊपर डोमिनेंट होता है तो किसी ना किसी दोष को प्रभावित करता है। सबसे पहले वात को प्रभावित करता है, और वात अगर उस समय हमारे स्किन दोष के ऊपर आ रही हो तो सोराइसिस का रोग हो। इसके साथ कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव खाते हैं, वो प्रिजर्वेटिव किसी ना किसी जंक फूड में, चाहे वो मैदा है, मैगी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, नूडल्स हैं, इन सब चीज़ों के साथ भी हमारा वात जो है वो प्रकोपित होना शुरू होता है। जब बात पित्त की करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम तेज़ मिर्ची, तेज़ मसाले, दिन में 5-5 बार चाय पीते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तेज़ कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो हमारी पित्त बढ़ती है, और वो पित्त हमारे अंदर सोराइसिस के साथ साथ उसमें बर्निंग की फीलिंग, उसमें दाग की फीलिंग, उसमें इचिंग फीलिंग साथ में करती है। और ये जो कॉजेज हैं, इन कॉजेज को अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हमने जब बात चिकित्सा की करनी है, जब बात आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करनी है, तो सबसे पहले हमारे जहन में यही बात आनी चाहिए कि हमें इसके लिए करना क्या चाहिए, कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो हमें इसके ऊपर से फ़ायदा दे सकें। तो सबसे पहली जो इसकी पहले नंबर की होम रेमेडी, जो कि हर डिजीज़ में मैं कहता आया हूँ, वो है निदानम परिवर्जनम, अर्थात निदान का परिवर्जन करना, उसके कॉज को हटाना।
अगर हमारा कॉज हमारी डाइट है तो उस डाइट को संतुलित रखें। हम अपने भोजन में से जितनी भी मसालेदार चीज़ें हैं उन सबको डिलीट करते जाएं। लाल मिर्च नहीं लेनी है, देगी मिर्च नहीं लेनी है, तेज़ मसाले नहीं लेने हैं। अगर वात दोष की प्रधानता के साथ सोराइसिस हो रहा है तो हमें उसके साथ वात डोमिनेटिंग चीज़ें नहीं लेनी है। हमें मैदे से बनी चीज़ें नहीं लेनी है। हमें मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल ये चीज़ें नहीं खानी है। बासी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और कई बार ऐसा देखा गया है, मैं हर केस की बात नहीं करता हूँ क्योंकि हमें लगभग 25 साल हो गए हैं आयुर्वेद योगाश्रम में सोराइसिस की ट्रीटमेंट करते हुए। कई बार डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इनके लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो हम उस पर्सन की नाड़ी देखकर या उसकी पूरी हिस्ट्री देखकर उसको बता देते हैं कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। एक चीज़ और इसमें आती है, वो है गेहूं का आटा। बड़ी अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, लोग हमसे पूछते हैं फ़ोन करके कि हमें इसमें गेहूं की रोटी खानी है कि नहीं खानी है, क्या हमें ये अलर्गन करेगी कि नहीं करेगी, ये एलर्जी के लिए किस तरह रहेगी। तो इसमें एक बात ध्यान में रखिए, जब भी सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है तो कई बार, नॉट इन ईच एंड एवरी केसेस, कई बार हमें वीट एलर्जी साथ में होती है। तो इसके लिए बेहतर होता है कि आप इसमें 5, 10, 15 दिन बिना वीट के अपनी डाइट को निकाल के देखें। अगर आपको लगे कि आप मच कंफर्टेबल होते जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और इसके साथ, क्योंकि जहाँ कॉज की बात करते हैं वहाँ तनाव भी आता है, तनाव को ठीक करना है तो आपको योग और प्राणायाम की शरण में आना ही पड़ेगा। तो योग और प्राणायाम की बात करेंगे, इसमें अनुलोम विलोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें कुंभक प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है, भ्रामरी प्राणायाम इसके लिए बहुत अच्छा है, शीतली प्राणायाम इसके लिए बहुत अच्छा है, और अंत में शीतकारी प्राणायाम का सोराइसिस में बहुत अच्छा रोल होता है। मैं अपने पेशेंट्स को कपालभाति करने के लिए और अग्निसार करने के लिए नहीं कहता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि ये दोनों जो प्राणायाम है ये हीट प्रोड्यूसिंग प्राणायाम है। जब हम अग्निसार करते हैं, कपालभाति करते हैं, हमारे अंदर हीट बढ़ती है, हमारे अंदर पित्त बढ़ता है, इसलिए सोराइसिस के पेशेंट्स को ये नहीं लेना चाहिए। 3 फ्रूट ऐसे हैं जो हर मौसम में आप खा सकते हैं सोराइसिस के लिए, एप्पल, सेब, गुआवा, अमरूद, पियर, नाशपति। ये 3 फ्रूट ऐसे हैं जो बने ही सोराइसिस के लिए हैं। हालांकि मैं जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी इन फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और उसके साथ एक चौथा फ्रूट ऐड करते हैं, पपीता। इनके साथ कुछ ऐसी हरी सब्जियाँ जो बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, इसमें जो पतली काली तोरी होती है जिसे राम तोरी बोलते हैं वो बहुत अच्छी होती है। हम घिया या लौकी इसमें बहुत अच्छे तरीके से सेवन करेंगे। हम इसमें पम्पकिन का सेवन ज़रूर करेंगे। इसमें बैंगन को अवॉइड करना चाहिए, इसमें भिंडी को अवॉइड करना चाहिए। अब एक चीज़ और आती है जो हमारे हर घर में होती है लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है हमारा नारियल का तेल। नारियल का तेल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर वात और पित्त दोनों को ख़त्म करता है। तो आप अगर सोराइसिस के रोगी हैं या आपके घर में कोई और रोगी है तो इस नारियल के तेल को ज़रूर अप्लाई करिए। इसके साथ एक अंत में और होम रेमेडी आपको मैं बताऊंगा, वो है नीम। अगर नीम का रस उपलब्ध हो जाए आपके साथ, अगर घर में आप फ्रेश बना लें, नीम के पत्तों को तोड़ के उसका रस बना के उसका सेवन करें तो ये बहुत अच्छा लाभ देता है। सिर्फ 5% केसेज ऐसे हैं जिसमें इसका लाभ नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए नीम ही जो है वो एज ए एलर्जी का कारण होती है, लेकिन 95 केसेस में इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। आप हमारे इस आयुर्वेद योगाश्रम के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। सोराइसिस के साथ साथ आपको इस डिजीज से रिलेटेड कोई भी और हमसे बातचीत करनी है, हमसे मशवरा लेना है, सलाह लेनी है, हमारे नीचे डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी साथ में डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेज के हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी इस प्रॉब्लम की को ठीक करने के लिए हमेशा आपके साथ तत्पर रहेंगे। और आप इस हमारे चैनल को, आपका भरपूर प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है, आप हमारे से जुड़े रहिए। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन आर्य।